जानलेवा साबित हो चुकी वैसी चाइनीज दोरी से अभी तक 3 युवाओं की हुई मौत के बाद वडोदरा पुलिस विभाग एक्शन में आया है, जहां आज वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा शहर के बाजार विस्तार में सरप्राइज चेकिंग प्रक्रिया जारी करते हुए चाइनीज दोरी की बिक्री करते वैसे व्यापारियों में घबराहट और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। प्रतिबंधित और जानलेवा साबित हो चुकी वैसी चाइनीज दोरी से न जाने अभी तक 3 जितने युवाओं की मौत हो चुकी है, जहां पहले भी 2 युवाओं की मौत होने की घटना के बाद कल एक और महेश ठाकुर नामक युवान की चाइनीज दोरी के चलते मौत होने की घटना प्रकाश में आई है, जिसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर पुलिस विभाग एक्शन में आया है, जहां आज पतंग बाजार विस्तारों में शहर पुलिस विभाग द्वारा सरप्राइज चेकिंग जारी किया गया। पिछले 3 दिनों के दौरान चाइनीज दोरी से 2 लोगों की मौत होने की घटना के बाद एक और बार महेश ठाकुर नामक युवान की मौत होने की घटना प्रकाश में आई है। ऐसे में पुलिस विभाग एक्शन मोड में आते हुए कल शाम से ही पतंग दोरी बाजारों में चेकिंग प्रक्रिया सरप्राइज रूप से जारी किया गया, जहां हर एक दोरी व्यापारी के यहां पर चेकिंग प्रक्रिया जारी करते हुए चाइनीज दोरी की बिक्री की जाती है या नहीं उस संदर्भ में सघन तहकीकात जारी की थी, जहां पुलिस विभाग द्वारा विशेष टास्क फोर्स भी बनाया गया है। शहर के मांडवी गंडी गेट रोड पर पतंग बाजारों में वडोदरा पुलिस के DCP जोन 3 के यशपाल जगनिया के अलावा वाड़ी पुलिस द्वारा लोक हित को ध्यान में रखते हुए सरप्राइज चेकिंग प्रक्रिया जारी करने के साथ दोरी बेचते वैसे व्यापारियों में भी एक घबराहट का माहौल देखने को मिला था।